हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें रामपुर में इस जगह ये रामपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप, और हम आपको बताने वाले हैं रामपुर में किन किन नवाबों का बोलबाला रहा है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। नवाबों के कारनामे किधर किधर हैं, किन किन नवाबों ने क्या क्या किया। ये जो आप देख रहे हैं, यह है रामपुर का किला जो नवाब ने बनवाया था। इसी के पास में है रज़ा लाइब्रेरी, जो सामने देख रहे हैं आप। यह है रज़ा लाइब्रेरी, इतनी शानदार और देखने लायक बनी हुई है रज़ा लाइब्रेरी। इधर कोई आप देख रहे हैं, ये सामने वाला रास्ता जो जा रहा था, ये नवाब के किले में को जा रहा था। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये रज़ा लाइब्रेरी है। ये सारी की सारी कितनी खूबसूरत और शानदार देखने लायक चीज़ है रज़ा लाइब्रेरी। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो रामपुर में नवाबों ने बनवाई हैं और जो आज़म खाने बनवाई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। देखिए, ये है रज़ा। दोस्तों अभी हम बताने वाले हैं आपको इस रामपुर में बना जो नवाब का किला है, इन व्यक्ति से हम सारी जानकारी लेकर आपको बताएंगे अभी ये कितना पुराना, और इस पे रहने वाले लोगों ने कुछ कब्जा कर लिया है। मतलब इसमें जो कुछ लोग रह रहे हैं किले में, उन्होंने अपना मतलब घर बना लिया है, एक प्रकार से बताएं आपको तो उसके बारे में। रहने के लिए दिए जगह है ना, सिया सिया। अच्छा अच्छा, तो उनको रहने के लिए जगह दी सिया को, तो ये सरकारी लोग रह रहे हैं इसमें ही। क्यों, तो ये नवाब के बच्चे बच्चे कुछ ना आए? कहाँ पर? रामपुर में ही है, तो फिर इस पर नहीं आते देखने वाले? गवर्नमेंट ने कहा आप जगह लिया इस पर। तो दोस्तों आपने अभी देखा वीडियो में, हमने व्यक्ति से मालूम किया इस नवाब के किले में कुछ लोग रहने लगे हैं, तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो सिया सुन्नी हैं उनको रहने के लिए इस किले में जगह दे दिया है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो इमारत, यह है रामपुर की जेल, इसके बारे में देखिए दोस्तों आप। दोस्तों ये थी रामपुर की जेल, इसके थोड़ी अगले ही नवाब का मकान है जो अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर बने रहिए। दोस्तों इस गेट के पार जो सफ़ेद मकान दिखाई दे रहा है आपको, ये नवाब का घर है। नवाब ने ख़ास अपने लिए इस मकान के उस साइड में, पूर्व साइड में अपने लिए ओवरब्रिज बनवाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप ये झील देख रहे हैं, ये झील नवाब साहब ने बनवाई है। ये झील 3 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी एरिए में बनी हुई है। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने एरिया में बनी हुई है ये झील, देखने लायक नज़ारा है इसके अंदर। तो हम दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हम इसके अंदर भी आपको झील के अंदर भी जाकर दिखाएंगे क्या क्या देखने लायक नज़ारा है। चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आगे भी। के गेट के अंदर हम एंट्री मारेंगे और दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों यह है झील, झील में अभी काम चल रहा है इसलिए ये झील जो है पूरी तरह से बंद है, इसमें घूमने वालों के लिए अभी जगह नहीं दी जा रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं झील को, कितनी शानदार और देखने लायक खूबसूरत चीज़ है। दोस्तों इस झील को बनवाया था आज़म खान ने। दोस्तों ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये आज़म खान का मकान है। इस मकान के पल्ली साइड वो जो देख रहे हैं आप सामने दिख रहा है ओवरब्रिज, खास आज़म खान ने अपने घर के लिए उतारा है इस ओवरब्रिज के लिए।
चलिए दोस्तों, अब हम आज़म खां के दूसरे कारनामे के लिए हम आपको रूबरू कराते हैं। ये जो महल देख रहे हैं आप, ये आज़म खां का हवा महल बन रहा है। अभी इलेक्शन की वजह से इसमें कार्य रुका हुआ है और आज़म खां जेल में है, इसलिए भी इसमें कार्य अभी रुका हुआ है। चलो दोस्तों, आज़म खां की तीसरी चौलजी बनाई हुई चीज़ पर फोकस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है आज़म खां के द्वारा बनाई गई गांधी समाधि पार्क। इस गांधी समाधि पार्क में कम से कम 20-30 बीघे ज़मीन को घेरा गया है। गांधी समाधि पार्क बनाने के लिए 20-30 बीघे ज़मीन को घेरा गया है। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया देखने लायक सुंदर नज़ारा है। दोस्तों देखते रहिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अभी हम और भी कुछ दिखाने वाले हैं। ये है रामपुर डिस्टिलरी यूनाइटेड आफ्टर रैकेट खैंडॉन्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो देख रहे हैं आप झरना, इस झरने के पीछे जो है रामपुर में वनी शराब फैक्ट्री का नज़ारा है। इसको हम आपको लोगों तक इस वीडियो को दूसरे पार्ट में पहुँचाएँगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।